एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनका हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिवीजन की ट्रिक सीखेंगे। तो अगर आपके पास में बिना डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनका डिवीजन तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में जो नंबर डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है वो दोनों ही नंबर्स आपके डेसिमल में हैं, यानी दोनों के ही अंदर आपके पास में पॉइंट दिया हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो देखो, अगर आपके पास में जो है पहला क्वेश्चन ले ले, यहां पर देखो, अगर आपको डिवाइड करना है, दिया हुआ है 10.42, डिवाइड का साइन है बीच में, फिर ले लेते हैं 0.2, ठीक है। तो आपको जो है इसको इससे डिवाइड करना है, 10.42 डिवाइड बाई 0.2। अब इसका मतलब है यहां पर जो है बड़े ध्यान से देखते जाना किस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को इस नंबर को डिवाइड करना है 0.2 से, इसका मतलब यही हुआ। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ही डिवाइड होता है। चलो, अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो जो भी हमारा डेसिमल का पॉइंट है कोशिश करते हैं कि हम इसको हटा दें यहां से, ठीक है। तो हमारा डिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है हमारी कि हम इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास में एक पॉइंट है और यहां पर भी हमारे पास में एक पॉइंट है। तो अगर हम ऊपर वाला पॉइंट हटाते हैं, 10.42 वाला जब हम पॉइंट हटाते हैं, तो आगे मेरे पास में दो डिजिट है। सो दो डिजिट का मतलब क्या है कि हम नीचे दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं ना। देखो, अगर मेरे पास में 10.42 है और मेरे को इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल हटाओगे तो नीचे दो जीरो लग जाएंगी, तो मतलब नीचे 100 आएगा। बिल्कुल सेम चीज मैंने यहां पर की है। तो अगर आप ऊपर से पॉइंट हटाते हो तो आगे दो डिजिट है, तो नीचे हम दो जीरो लगाएंगे। बिल्कुल यही चीज करो नीचे के लिए। यहां पर देखो 0.2 दिया हुआ है ना हमको, तो यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। सो नीचे आएगी 10, तो क्योंकि इसमें हम डिवाइड में लिखते हैं तो वो कहां चली जाएगी, ऊपर, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो, ऊपर वाले में दो डिजिट थे तो नीचे दो जीरो, नीचे वाले में पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो ऊपर एक जीरो लगा दिया, ठीक है ना। इतनी चीज आपको मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। अब क्या कर सकते हो, ये देखो, ये जीरो और ये जीरो कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे, जो बचता है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। अब मेरा पॉइंट हट गया है, तो अब हम लिखेंगे 0.42 डिवाइड बाई, यहां कितना बचा है, आगे वाला जीरो काउंट नहीं होता है, सिर्फ इस 2 के बाद वाला जो जीरो है वही काउंट होगा। सो कितना बचेगा, 20। तो आप देख सकते हो मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मेरा पहला स्टेप था कि मेरे को इस डेसिमल पॉइंट से छुटकारा पाना है। सो डेसिमल पॉइंट मैंने हटा दिया, सिर्फ नंबर रह गए मेरे पास में, है ना। और नंबर्स का हम डिविजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखो 0.42 अपॉन में 20 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 0.42 डिवाइड बाई 2। तो हम इस पूरे नंबर को जो है ना सिर्फ 2 से डिवाइड कर लेंगे। जीरो वाला जो हमारा नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। बात तो एक ही है, बात तो वही है ना, मल्टीप्लाई करके मैंने जो है 2 10s 20 होता है ना, और 1042 × 1 करोगे तब भी मेरा इतना ही रहेगा। सो मैंने जो है इसको अपॉन में 2 करके लिख दिया है, और जो जीरो वाली टर्म है ना मेरी, उसको मैंने 1/10 अलग से लिख दिया है। अब सिर्फ आपको जो है किसको सॉल्व करना है, 0.01042 डिवाइड बाई 2 को। तो मतलब सिर्फ आपको 2 से डिवाइड कर लेना है जो भी आपके पास में नंबर है, ठीक है। देखो सिंपल डिवाइड है, अब 2 से डिवाइड करना है। यहां पर हम कितना लेंगे, 1 नहीं लेंगे, हम लेंगे 10, ठीक है। तो हो जाएगा 2 5 10, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इसके बाद में हम क्या लेंगे, यहां पर हमारा जाएगा ये 2 2 4, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बचा है, हम यहां से क्या करेंगे,
फोर नीचे उतारेंगे, सो हम यहां से फोर नीचे उतारेंगे, टू टू जा फोर होता है, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से टू को नीचे उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टू वन जा टू। बेसिक मैंने सिंपल डिवाइड करा, कुछ नहीं करा है। सो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगा 521, 521। अभी आपका आंसर तो नहीं है, आंसर आपका कैसे निकलेगा, हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को डिवाइड करा है और 521 आया है, और इंटू का 1/10 भी तो है, सो हम यहां पर लिखेंगे इंटू 1/10। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा 521 इंटू 1 कितना होता है 521, और डिवाइड में क्या है 10 है, सो डिवाइड में 10 का मतलब है कि इसकी एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, तो आपका ये आंसर है। डिवाइड में 10 का मतलब है कि इसके जो लास्ट वाली वन डिजिट है उसके वन डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर कितना है 52.1। ठीक है, मैंने क्या किया, डेसिमल को हटाया, उसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर ले आए, अब 20 से ना डिवाइड करके मैंने उसको सीधा 2 से डिवाइड कर लिया, 2 का टेबल तो बहुत सिंपल होता है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, 1/10 को मैंने बाद में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ले लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, 22.08 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो अगर हमें इसको इससे डिवाइड करना है, इसका मतलब है 22.08 डिवाइड बाई 1.5 हमें ये करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटाओ, सो ये वाला डेसिमल हटाओगे तो नीचे दो जीरो आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे दो डिजिट हैं, और अगर हम ये वाला डेसिमल हटाते हैं सो 1.5 में पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक जीरो हमारा ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का हटाओगे तो नीचे दो जीरो आएंगी, नीचे वाले का हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आएगी। अब जो है जीरो से जीरो को काट दो, सिर्फ कितना बचा है 22.08 डिवाइड बाई 150, सिर्फ इतना ही बचा है मेरे पास में। अब जो है देखो नीचे जीरो आ रहा है फिर से, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2208। अब इस नंबर में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हमारा कंप्लीट एक नंबर है, नीचे वाले नंबर में देखो क्या कर सकते हैं, 15 में यहां पर हम सिर्फ 15 रख सकते हैं, और फिर से इंटू 1/10 हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है इसको तोड़ लिया है, सो 150 की जगह पर मैंने सिर्फ उसको 15 रहने दिया है, और जो 1/10 है उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो अब जो है आपको इसको सॉल्व कर लेना है, सिर्फ 2208 डिवाइड बाई 15 को, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो हट चुका है, तो यहां पर इसको डिवाइड करो 2208 और 15 को, तो 15 का टेबल तो हमें आता है, तो हम इसको डिवाइड तो कर सकते हैं। देखो हम कितना लेंगे यहां पर, 2 नहीं हम 22 लेंगे, सो 15 वनजा हो जाएगा 15, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है, अब ये तो छोटा हो गया है, तो हम एक जीरो और नीचे उतारेंगे, अब 15 फोरजा होता है 60, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, सो यहां पर सिर्फ 10 है लेकिन हमें 15 से बड़ा चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 नीचे उतारेंगे तो 108। ठीक है, सो 15 सेवन सा होता है हमारा 105, अब 108 माइनस 105 करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, कितना आएगा सिर्फ 3। अब और कुछ हमारे पास में नीचे उतारने के लिए नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख दूं ऊपर की साइड में, तो देखो यहां से मैं इस साइड में लिख रही हूं 70 माइनस 60 करेंगे तो 10 आएगा, फिर हम नीचे 8 उतारेंगे तो ये बनेगा 108। ठीक है, और 15 सेवन जा होता है 105, माइनस करोगे तो कितना आएगा सिर्फ 3। ठीक है, मैंने ये वाली चीज जो है लिखी थी, अब मेरे पास में सिर्फ 3 है तो मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमारे पास में कुछ भी नीचे उतारने के लिए नहीं है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे पॉइंट। ठीक है ना, सिंपल डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं, तो अगर हमें डेसिमल में आंसर चाहिए तो हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट यहां पर लगाएंगे, यहां पर हम क्या लेंगे जीरो, तो मैंने यहां पर जीरो ले लिया। अब 15 टू जा होता है 30, तो 30 में 30 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कितना आया है 147.2।
ये आया है इसको और 15 को डिवाइड करने के बाद। तो अब हमारा जो आंसर है वो कैसे आएगा, 147.2 इंटू 1/10, ठीक है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ इन्हें डिवाइड करा है, इंटू 1/10 भी तो था। सो ये हमारा हो गया है इंटू 1/10, तो मतलब कि 147.2 डिवाइड बाई 10 करना है, अब डिवाइड बाई 10 करना है। सो डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या होता है कि यहां से एक डिजिट और छोड़ के हम जो है पॉइंट लगाएंगे, तो 14.72 ये आपका आंसर है, क्योंकि यहां पर जो है डिवाइड में एक 10 है, तो हम क्या करते हैं राइट वाले से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो क्योंकि पॉइंट इन दोनों के बीच में है तो यहां से हम एक नंबर छोड़ के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14.72 इसका डिवीजन का आंसर। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको डेसिमल में नंबर दिया है आप कोशिश करिए कि उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको आप हटा के सिंपल नंबर्स के अंदर ले आए, वहां पर आपका डेसिमल को डिवाइड करना जो है बहुत इजी हो जाता है और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।